अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने आज के व्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। बस ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे काम होते हैं और बहुत से लोग हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप ही अब रिप्लाई नहीं करती। मैं अभी क्या बताऊँ, मैं अभी आपको रूटीन की वीडियो आपके साथ अभी अभी मैंने शेयर करना स्टार्ट की है। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ जिसकी वजह से मैं कभी तो जो रिप्लाई है वो कर देती हूँ, कभी मेरे से रिप्लाई नहीं हो पाता। और सेकंड कि मैं वीडियो भी जो अपलोड करती हूँ वो भी तकरीबन 9-10 बज जाते हैं रात के। वो ये होता है कि घर का काम करके, बच्चों को सुला के, उसके बाद जो वीडियो है वो मैं एडिट करती हूँ और उसके बाद मैं जाके कहीं अपलोड करती हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। बस इसी वजह से, और कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करती। तो ये प्लीज़ इस बात से आपने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना। शाम का टाइम है, तकरीबन 2-2.5 बजे का टाइम है और सब तकरीबन सो ही रहे थे और मैं काम में लगी हुई थी। ये बर्तन धोए मैंने, फिर उसके बाद शुक्र है अल्लाह का मेरी वॉशिंग मशीन ठीक हो गई है, थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है इस बात का। नहीं तो मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे। अभी कुछ दिनों से मुझे ठीक करा के दी है मेरे हस्बैंड ने और मैं बस जल्दी जल्दी जो कपड़े हैं ना उनको वॉश करी थी, धो रही थी जल्दी से, क्योंकि फिर शाम हो जाए तो खुश्क भी नहीं होते। सुबह सुबह के टाइम वैसे नाश्ता पकाना होता है, घर के काम होते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। इसलिए मैं तकरीबन जब भी कपड़े वगैरह धोने हों मैं वो 1-2.5 इस टाइम के दौरान जो है ना वो मैं धो लिया करती हूँ, अपने जो कपड़े भी होते हैं, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े जितने भी हैं, क्योंकि काम है ना ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। और मैं जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि फिर अजान भी होने वाली थी और असर की, मैं सोच रही थी असर की अजान से पहले पहले जितना मेरा काम है वो मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर दोपहर को मैंने चावल बनाए थे और रात के लिए फिर से मुझे कुछ ना कुछ पकाना था, सब्ज़ी बनानी थी, उसके बाद आटा वगैरह गूंदना था, वो भी थोड़ा काम था। तो इसलिए मैं जल्दी कर रही थी कि बच्चे भी अभी सो रहे हैं, जल्दी जल्दी मेरा जो काम है ना वो मैं कर लूं। नूर जाग रही थी और किंजा सो रही थी। जल्दी से बस अपना काम कर ख़त्म करने की कोशिश में लगी रहती हूं मैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूं, क्योंकि फिर रात का वक्त हो जाता है और हमारे घर में माशाल्लाह एक दरख्त बहुत ज़्यादा है तो धूप कम होती है तो कपड़े जो है ना वो खुश्क नहीं होते, फिर रात को भी मसला हो जाता है क्योंकि वहीं पर चरपाइयाँ बिछानी होती हैं। इसीलिए धूप धूप में मुझे जल्दी जल्दी कपड़े धोने पड़ते हैं। अभी थोड़ी बहुत धूप है थी तो मैं जल्दी से इनको धो रही थी कि इनको धो के और मैं डाल दूँ जल्दी से, काम ख़त्म कर लूँ मैं अपना, क्योंकि आज मेरा मैं बहुत 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 ज़्यादा बिज़ी थी। पूरा दिन ही आज मेरा बिज़ी रहा सुबह से लेके शाम तक। फिर मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी जल्दी यहाँ से भी धो लें, क्योंकि मैं सुबह नहीं धो पाई थी, इधर से साफ़ नहीं कर पाई थी, रोज़ इधर से साफ़ करना चाहिए। तो सुबह के टाइम एक तो मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया, सफाई की, इधर से मैं सफाई नहीं कर सकी क्योंकि मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी और वैसे भी अचार वगैरह डालना था तो वो डालना शुरू कर दिया मैंने। मम्मी के साथ थोड़ी बहुत हेल्प कराई और बस फिर अजान हो गई। अभी नमाज का वक़्त हो गया था और मैंने जल्दी से पहले नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मेरे लिए नए से नया काम फिर से शुरू हो जाना था। मैंने सोचा नहीं, पहले जल्दी से जल्दी नमाज भी ज़रूरी है, नमाज अदा कर लूँ जल्दी से, फिर उसके बाद जो काम है वो करूँगी। मैं नमाज अदा करके जैसे ही आई तो मेरे हस्बैंड जो थे वो बनाने लग गए चिप्स, क्योंकि उनको आज दिल कर रहा था चिप्स बनाने को और उनको बताया था कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, तो वो बोल रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ, मैं बना देता हूँ। जो चिप्स के लिए थे आलू वगैरह वो भी उन्होंने काट के, उन्होंने जो नमक मिर्च लगानी थी वो मुझसे पूछते जा रहे थे, मैं उनको बताती जा रही थी और वो लगाते जा रहे थे कि मैं तुम्हें मिक्स करके बना के दे देता हूँ मुझे आग भी जला के दे दी थी उन्होंने और ऑयल भी गर्म करके दे दिया, बोल रहे थे कि मैं खुद फ्राई कर लेता हूँ। मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं कुछ बेहतर हूँ, मैं कर लूँगी, कोई मसला नहीं। तो जल्दी से जल्दी फिर मैंने फ्राई करना शुरू किया और फ्राई कर करके मैं प्लेट में डाल डाल के सबको दे जा रही थी कि ले जी खा ले, क्योंकि फिर ये करने के बाद मैंने अभी सालन भी बनाना था और बहुत 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 टेस्टी और बहुत मज़े की बनी थी, सच्ची बात बोलूँ तो आज तो मज़ा आ गया था ये खा के, एकदम फ्रेश हो गई थी मैं।
माशाल्लाह बच्चों ने भी बहुत खुश हो गए खाया और हस्बैंड जी ने भी, क्योंकि उन्होंने बहुत मज़ेदार सा मिक्स करके मेरे को दिया कि लो जी बना लो, आज तो मूड नहीं गई था बनाने का, कह रहे थे मैं बना दूँगा। मैंने बोला नहीं ये ऐसी भी कोई बात नहीं है, बना लूँगी, आप बस मिक्स करके दे दिए आपने, यही इतने इतने इतना सही कोई सहारा दे देगा यही बहुत होता है जी। तो व्लॉग को करते हैं एंड, और आपका व्लॉग कैसा लगा आप लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छे से अच्छे और मज़ेदार से व्लॉग में, बाय।